वेलकम टू रैंडम Amazon हॉल पार्ट 4. आई थिंक दिस इज पार्ट 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड यस, पार्ट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो. पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि इस सीरीज को मैंने रैंडम Amazon हॉल नेम क्यों दिया है. तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. अब इस वीडियो में और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा होम डेकोर से. मैंने 5 कुशन का सेट लिया था. ये राउंड कुशन है, इसमें स्क्वायर भी आते थे, रेक्टेंगल में भी थे, मतलब अलग अलग टाइप के डिजाइन थे इसमें. मैंने राउंड लिया बिकॉज मुझे राउंड बहुत सुंदर लगता था. एंड वो जो मिनी स्क्वायर वाले आते हैं ये मेरे घर में ऑलरेडी काफी सारे थे. एंड जो मैंने ये लिया है ये है 16x16 का. मैंने ऐसा 5 लिया है, मैं 5 नहीं दिखा रही हूँ, एक ही दिखा रही हूँ आपको. स्टफिंग भी अच्छी है अंदर, जो कॉटन स्टफ किया है काफी अच्छे से किया है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा स्टफ किया है. ओवरऑल क्वालिटी इज वेरी गुड. तो अगर आप अपने लिए कोई अच्छा कुशन देख रहे थे अपने घर के लिए तो आप इसको परचेज कर सकते हो. एंड ऑल्सो मैंने 5 का सेट लिया है, इसमें सिंगल सिंगल भी अवेलेबल थे. अगर आपको एक या दो चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, दो में भी ले सकते हो, 4 में भी ले सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा ले सकते हो. मैंने प्रॉपर 5 लिया बिकॉज मुझे मेरे बेड पे 5 ऐसे लगाने के लिए चाहिए थे. एंड कुशन लिया था तो ऑब्वियसली मुझे कुशन कवर भी लेना था. एंड क्योंकि मेरे जो बेडशीट है, मेरा क्या नाम है, ब्लैंकेट है, सब कुछ मेरा रेड कलर में है, लाइक रेड फैमिली से है, तो मैंने कुशन कवर भी रेड कलर का लिया है. मैं आपको कुशन कवर दिखा देती हूँ, कुशन में डायरेक्ट लगा के जैसे आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसा लगता है. वो है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड रोज की तरह लगता है ये रखा हुआ, बहुत सुंदर लगता है. इसमें बेज कलर था, ब्राउन कलर था, और भी काफी सारे कलर थे. तो आप अपनी बेडशीट से या अपने रूम पेंट या जैसे भी आपको पसंद हो वैसे मैच करके अपना परचेज कर सकते हो. एंड मैंने 5 कुशन का पे किया है, आई थिंक 625 रुपीज पर कुशन कवर मुझे पड़ा, 125 रुपीज. ये भी मैंने 5 का ही सेट लिया है, कम ज्यादा नहीं लिया बिकॉज 5 ही कुशन लिए तो 5 ही कुशन कवर भी ले लिए. एंड कुशन कवर दिखने में बहुत सुंदर है, लाइक 125 रुपीज आपको क्या ही और मिलेगा. अब मार्केट से लेने जाओगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. बट मैं एक चीज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लॉन्ग नेल्स है देन बी अ लिटिल केयरफुल, बिकॉज जब आप इसमें कुशन डालोगे तो, क्योंकि ये सैटिन फैब्रिक है, जो सैटिन यूज हुआ है ना ये बहुत हाई क्वालिटी सैटिन नहीं है. आई मीन अगर हाई क्वालिटी होता तो 125 में डेफिनेटली नहीं मिलता. तो जब आप इसमें कुशन डाल रहे होते हो ना कवर के अंदर में, तब ऐसा लगता है कि अगर नेल वेल हो ना तो थोड़ा खिसने का डर रहता है कपड़ा, इफ यू नो व्हाट आई मीन. सैटिन थोड़ा खिस जाता है ना, तो खिसने का डर रहता है. या आपने अगर कोई ज्वेलरी वुलरी पहनी है तो ज्वेलरी निकाल देना अगर आपने पहन रखी है कुशन कवर डालने के टाइम पे, अगर आप परचेज करते हो. और अगर नेल्स है तो थोड़ा सा केयरफुली डालोगे तो खराब नहीं होंगे, बट अगर आप केयरलेसली उसको बस ऐसे ठूसने में लगोगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है वैसे करते हुए, तो आपका पीछे की तरफ से लाइक इधर की तरफ से ये थोड़ा खिस विस के खराब हो जाएगा. तो मेरा नेल वेल लगने से हल्का सा तार जैसा निकल गया था. तो एंड बट कुशन सिर्फ निकालने और डालने के टाइम पे ये थोड़ा सा डर रहता है उस सैटिन थोड़ा खराब होने का, बाकी रखा रहता है. यूज करती हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. एंड मुझे ये लिए हुए ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स हो चुके हैं. सो या आई थिंक 3 वीक्स हो चुका है मुझे इसे लिया हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है. सो या ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि कुशन कवर की क्वालिटी कैसी है. एंड आई होप आपको ये कुशन कवर पसंद आया, बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर है, लाइक बेड पर रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है मेरे, मुझे बहुत पसंद आया. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफी रैंडम सा है एंड इस सीरीज का नेम भी है रैंडम Amazon हॉल. ये आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी बट मैंने ऑनलाइन परचेज किया. वो है ये टिक टैक क्लिप्स, ये दो मैंने लिया एक साथ, इसमें 12 है, इसमें 12 है. और मैंने इसका पे किया है 90 रुपीज फॉर 2. आई नो मार्केट में शायद कम में भी मिल सकती है, कोलकाता में तो आई थिंक ये 25-30 रुपीज में आ जाता, बट मुझे 45 रुपीज पड़ा. बट मेरे घर के आसपास एक्चुअली मिलता नहीं है ये. एंड ऑल्सो गाइज, इसमें मैंने मीडियम लिया है, मीडियम ही काफी बड़े हैं, तो अगर आपके लॉन्ग वॉल्यूमिनस हेयर है तो आप इसमें लार्ज वाला भी ले सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है या आपके थिन फाइन हेयर है तो इसमें एक मिनी भी था, लाइक स्मॉल, इससे छोटा आप वो भी ले सकते हो. मैंने इमेजेस देख के लिया, मैंने मीडियम लिया एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. मैंने मार्केट से काफ़ी बार लिया है तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी क्वालिटी जो मार्केट में लोकल मार्केट से मैं खरीदती हूँ उनसे अच्छी है. अगर आप भी अपने लेने का सोच रहे थे और आपको 90 रुपीज़ में दो लेने में प्रॉब्लम नहीं है और आपकी भी लोकल मार्केट में इधर उधर नहीं मिलता है
तो आप ये ले सकते हो, क्वालिटी जो है इसकी काफी अच्छी है। एंड नेक्स्ट जो है, अब जितने भी आइटम्स है वो सारे मेरे फेवरेट आइटम्स है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था मेरा फेवरेट बॉडी लोशन, आई थिंक ये मेरा थर्ड विंटर है इसमें यूज करने का, ये है प्लम काइजगेंस, ये नया है एकदम, प्लम बॉडी लविंग जेल लोशन कोलाडा ट्रॉपिकल टैंगो विद ब्राजील नट ऑयल, ऐसे है इसकी पैकेजिंग। पंप है तो यूज करने के लिए काफी इजी रहता है। एज आई सेड ये मेरा फेवरेट है, तो ये मेरा एकदम खाली हो चुका है, एज यू कैन सी एकदम जरा सा बचा है, एंड ये मेरा थर्ड विंटर है इसको यूज करने का। बार बार मुझे इसको रीअप्लाई नहीं करना पड़ता है अगर, एंड ऑल्सो मेरी जो बॉडी की स्किन है इट्स सहारा डेजर्ट ड्राई, मैंने पहले भी काफी बार बताया मेरे बॉडी की स्किन समर्स में भी ड्राई रहती है, तो आप समझ सकते हो विंटर में तो कितनी ही ड्राई हो जाती होगी। तो अगर आपकी भी मेरे जैसे बहुत ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर की बहुत ड्राई नहीं भी है तो भी विंटर्स में ड्राई हो जाती है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, वो आता है ना मस्क मेलन, वैसी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारी सी इसकी, एंड काफी अच्छा है, थोड़ा जेल टाइप की कंसिस्टेंसी, जिसका नेम है जेल लोशन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, इस बॉडी लोशन को ना मैं 12 महीना यूज करती हूँ एज हैंड क्रीम भी, पंप है ना तो ऐसे रख के रखती हूँ लाइक समर्स में, विंटर में कभी भी हल्का सा एक पंप निकाला थोड़ा सा और अपने हाथ में लगा लेती हूँ तो मेरे हाथ ड्राई नहीं होते, हम लोग हाथ के काफी पानी में जाता है तो बहुत ड्राई हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को दिखा है वो बार बार हैंड क्रीम लगाते भी है ना तो भी उनका हैंड्स ड्राई रहता है, तो अगर आप भी वैसे स्ट्रगल कर रहे हो ड्राई हैंड्स जिनके बीच बीच में वो वाइट वाइट हो जाता है या स्किन रफ रफ सी हो जाती है, देखोगे मैंने बहुत देर पहले लगाया था बिल्कुल अभी ड्राई और रफ नहीं हुआ है, तो इवन समर्स में मैं तो काफी सारा लेके हाथ में अच्छे से अप्लाई करके सो जाती हूँ और पूरा दिन फिर मेरे हाथ जो है वो ड्राई नहीं फील करता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा आप अगर परचेज करोगे तो। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था मेरा प्लम का ही प्रोडक्ट है, अगेन दिस इज प्लम बॉडी लविंग यू डे परफ्यूम ट्रिपिन मिमोसास, और ऐसे है ये। वैसे तो इसका MRP है 295 रुपीज़, बट ऑफर में मुझे ये 150 रुपीज़ में दिख रहा था तो मैंने इसे परचेज कर लिया, एंड जैसा मैंने बोला एक मेरा फेवरेट है। ये मेरे पास पुराना था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो पहले से था जो मैंने आधा यूज कर लिया है, ये हाफ हो चुका है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 2023 सितंबर में जब मेरा बर्थडे आया था, लाइक इस ईयर जब मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे वाले दिन मैंने यही वाला परफ्यूम लगाया था, एंड ये जो है ये आपका ड्यूप है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल का। येस, दिस इज द ड्यूप ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, ये बहुत प्रोजेक्टिव है, आपने एक बार लगा लिया ना तो बार बार नहीं लगाना पड़ता, रीअप्लाई बार बार थोड़ी थोड़ी देर में नहीं करना पड़ता लाइक ज़ारा परफ्यूम, लाइक मुझे 150 में दिखाना था मेरा फेवरेट, तो मैंने और एक परचेज कर लिया, दिखा देती हूँ दो गई को लगेगा, 2 बॉटल्स है। तो Amazon पे ध्यान रखना, सेल में ये 150 रुपीज़ में मिल रहा है, बार बार आते जाते रहती है, लाइक अचानक से ऑफर आता है चला जाता है, तो आपको पसंद है थोड़ा सा नज़र रख लो, विशलिस्ट कर लिया कार्ट में डाल के रख लो, आते जाते देखो 150 में दिखे तो फटाक से शॉप कर लो, मैंने वही किया था, ये 150 में दिखा मैंने ले लिया, और उसके बाद भी मुझे कई बार ये बार बार ऑफर 150 वाला दिखा रहा था, सो मैंने काफ़ी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि 150 में मिल रहा है ले लो। तो आपका नेक्स्ट आइटम दिखा देती हूँ, नेक्स्ट है मेरे ये नेल्स, ये मैंने ना दिवाली के पहले लगाया था, अभी तक है, मैंने इसे अब तक मैंने सिर्फ एक ही बार निकाल के रीअप्लाई किया है, थोड़े से घिस गए हैं, एंड इसके पहले मैं मिस क्लेयर के नेल्स यूज करती थी, एंड इनकी क्वालिटी मिस क्लेयर के नेल से भी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ऑल्सो आपने मुझे कई वीडियोज में ये वाले नेल्स में देखा होगा और बहुत बहुत सुंदर है, बिल्कुल भी टूट वूट नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और ये मुझे इस तरीके से आए हैं, 500 नेल्स हैं, सारे नेल के साइजेस अलग अलग पैक होकर आए हैं, एज यू कैन सी काफी सारे पैकेट्स हैं अभी भी इसमें बचा हुआ है और भी है, 500 नेल्स है पर पैकेट में, 50-50 नेल्स आपको रिसीव होते हैं, एंड अच्छी चीज ये है कि साइज के अकॉर्डिंगली है, यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, बेस्ट चीज ये है इनकी कि सारे के सारे अलग अलग साइजेस एक साथ 50-50 अलग अलग ज़िपलॉक बैग में है, एंड हर एक पैकेट के ऊपर नंबर्स भी बड़े बड़े लिखे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैंने सोचा है कि मैं शॉर्ट्स पर इसका एक वीडियो शेयर जरूर करूं, बताना आप कमेंट्स में शॉर्ट्स में करूं या प्रॉपर एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो करके अच्छे से डिस्क्राइब करूं इसको कैसे यूज करना है, आप इसको फाइल भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत हल्का सा बड़ा है आपके नेल से, तो हल्का सा फाइल कर लो साइड से, आपके नेल के शेप का हो जाएगा। मैंने जो लिया है ये है आलमंड, एंड इसको मैंने जैसा बताया कि दिवाली के पहले से यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा घिस गया है,
इसमें मैंने लिया है मीडियम आलमंड, इसमें लॉन्ग आलमंड भी थे, शॉर्ट आलमंड भी थे, इसमें कॉफिन शेप भी था, लॉन्ग मीडियम शॉर्ट, इसमें स्क्वायर भी था, राउंड भी था, काफी डिफरेंट थे। मिस क्लेयर के नेल्स अगर आपने कभी ट्राई कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी मिस क्लेयर के नेल से ज्यादा अच्छी है। मिस क्लेयर के नेल से ये सस्ते भी पड़ते हैं, वो 250 रुपीस का आता है 100 नेल्स, ये 445 रुपीस का आता है 500 नेल्स। तो घर बैठे बैठे आप इजीली अपने नेल्स कर सकते हो बहुत सस्ते में। 500 नेल आपके पास है तो एक साल से ऊपर चला जाएगा। आई थिंक हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं इस नेल्स को आपको, अगर आपको भी घर पे नेल्स करना पसंद है। ग्लू फ्री साथ में नहीं आता है, आपको चाहिए तो आप मिस क्लेयर का ग्लू आता है वो परचेज कर सकते हो, वो लिक्विड वाला ग्लू, मैं मोस्टली लिक्विड ग्लू यूज करती हूँ। या आपको चाहिए तो आपको जो स्टिकर वाला ग्लू आता है वो भी यूज कर सकते हो, दोनों चलता है इसके ऊपर, मैं दोनों यूज करके देख चुकी हूँ। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर तो क्या था, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई दे देती हूँ। एंड आई होप ये वीडियो को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।